ओलंपिक 2020 फील्ड हॉकी के वुमेन्स कैटेगरी में भारत अपना पांचवा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले, जिसमें भारत 4-3 से शानदार जीत हासिल किए। इस मैच में भारत 14 शॉट लगाए तो वही दक्षिण अफ्रीका 8 शॉट लगाए। भारत का शूटिंग एफिशिएंसी 29% रहा, वही दक्षिण अफ्रीका का 38% रहा। भारत को फील्ड गोल करने का 4 मौका मिला तो उनमें से 1 गोल किए, तो वही दक्षिण अफ्रीका को 4 मौका मिला तो उनमें से 2 गोल किए। भारत को 10 पेनाल्टी कॉर्नर मिला, उनमें से 3 गोल किए, तो वही दक्षिण अफ्रीका को 4 पेनाल्टी कॉर्नर मिला, उनमें से 1 गोल किए। गेंद के ऊपर नियंत्रण भारत का 51% रहा, वही दक्षिण अफ्रीका का 49% रहा। सर्कल पेनिट्रेशन भारत 18 बार एंट्री किए, वही दक्षिण अफ्रीका 11 बार एंट्री किए। इस मैच के पहले क्वार्टर के 4th मिनट पर वंदना कटारिया नवनीत कौर के शॉट को डिफ्लेक्ट करते हुए गोल करके मैच का पहला गोल किए, लेकिन उसी क्वार्टर में मैच के आखिरी मिनट पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी चेरिस्टी क्लासवी मेलवेट के शॉट को डिफ्लेक्ट करते हुए गोल करके स्कोर को बराबरी पर ला दिए। और दूसरे क्वार्टर में मैच के 17 मिनट पर फिर एक बार वंदना कटारिया पेनाल्टी कॉर्नर को डिफ्लेक्ट करके गोल हासिल करे और स्कोर को 2-1 में पहुंचा दिए, लेकिन फिर एक बार उसी क्वार्टर के आखिरी मिनट पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एरिन हंटर पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा गोल करके स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला दिए और यह गोल उनको बहुत ही आसानी से मिला। इस सिचुएशन का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। तीसरे क्वार्टर में मैच के 32 मिनट पर रानी रामपाल के पेनाल्टी कॉर्नर पास को नेहा ने परफेक्ट रिफ्लेक्ट करके गोल हासिल किए और भारत का स्कोर रहा 3-2। लेकिन उसी क्वार्टर में मैच के 39 मिनट पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मेराइज मेरिजन फील्ड गोल करके स्कोर को 3-3 की बराबरी पर ला दिए। और आखिरी क्वार्टर में मैच के 49th मिनट पर फिर एक बार वंदना कटारिया पेनाल्टी शॉट को डिफ्लेक्ट करके गोल हासिल किए और इस मैच में उन्होंने हैट्रिक गोल करके इतिहास रचा। इसी के साथ भारत इस मैच को अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल में जाने का संभावना को बढ़ा दिए।